नमस्कार, आप सबको हैप्पी रोजो। उड़ीसा का एक त्यौहार हम मनाते हैं, धूमधाम से मनाते हैं रिलैक्सेशन के लिए। आइए उसका पोड़ो पिठा कैसे बनाते हैं आपको सिखाएंगे कि क्या क्या लगता है उसे और कैसे बनाते हैं। चलिए हम सीखते हैं पोड़ो पिठा। देखिए, दो ग्लास चावल को भिगो कर उसे पेस्ट बना दी। देखिए ये कंसिस्टेंसी देख लीजिए, ज़्यादा गाढ़ा नहीं, ज़्यादा पतला नहीं। क्या क्या लगता है देख लीजिए। जागरी, गुड़ एक कटोरी ले ली। एक कटोरी गुड़ को कढ़ाई में ले ली गैस पर। उसे थोड़ी देर बबल्स आने तक उसे चलाऊंगी। देख लीजिए थोड़ी देर, हाफ मिनट उसे चलाऊंगी कढ़ाई में। उसके साथ हाफ मिनट उसे चलाने के बाद उस पर नारियल का बुरादा हो तो डाल देना, नहीं तो ग्रेटेड कोकोनट उसे डाल देना। देख लीजिए थोड़ी देर उसका बबल आने तक वेट कीजिए। क्या क्या होता है, उसका महक चारों तरफ फैल जाएगा। उसके बाद आप जान जाएंगे हो गया, पक गया। देखिए उसके साथ वो छोटा छोटा पीस किया हुआ नारियल उस पर डालेंगे। उसके बाद उसके साथ हम छोटे छोटे पीस का नारियल डाल ली और उसे भी थोड़ी देर चलाएंगे। उसके साथ ग्रेटेड कोकोनट नारियल को हमारी भाषा में कोर लेते हैं कहते हैं। चलिए उसे हम थोड़ी देर महकाने तक नारियल और गुड़ का जो महक कहती है उसके चलाएंगे, थोड़ी देर चलाएंगे, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा पक जाए तो हार्ड हो जाएगा। देख लीजिए थोड़ी देर चलाएंगे, एक मिनट। उसके बाद हम पानी डालेंगे। बहुत ही प्यारा सा महक आती है। गुड़ और नारियल का कॉम्बिनेशन बहुत ही खूबसूरत होती है, बहुत अच्छा लगता है वो। देखिए पानी, चावल दो ग्लास ली थी, इसके साथ तीन ग्लास हम पानी लेंगे। तीन ग्लास पानी लेंगे, वेट कीजिए। उसके उबाल आने तक वेट करेंगे और कुछ सामान है उसके साथ हम मिलाएंगे। देखिए क्या क्या मिलाते हैं। एक चम्मच नमक, आपके स्वाद अनुसार आप और भी डाल सकते हैं। उसके साथ एक बड़ा चम्मच शुद्ध देसी घी, गाय का घी, और एक कप दूध। दूध डालने से वो सॉफ्ट होती है। उसे उबाल आने तक वेट करेंगे। उसके साथ हम इलायची का पाउडर और थोड़ी सी अदरक, अदरक ऑप्शनल है, नहीं डालेंगे तो चलेगा। वो ट्रेडिशनल पिठा है, उसे हम रज पर हर घर में वो होती है, रज के एक दिन पहले से वो बना लेते हैं। देखिए उबाल आ गया, उसके बाद जो लिक्विड चावल का लिक्विड था उसे हम डालेंगे, धीरे धीरे डालेंगे और चलाएंगे। मैं दो ग्लास से ज़्यादा पीस ली थी इसीलिए थोड़ी बचा ली हूँ। देख लीजिए उसे हम चलाएंगे। गैस को पहले हाई में रखना, उसके बाद सिम कर लेना। देखिए उसे चलाएंगे, पॉसिबल है नीचे लग जाती है, कढ़ाई में लग जाती है, इसीलिए ध्यान से चलाना चाहिए।
हाथों को धीरे धीरे राउंड राउंड करके उसे मिलाते हैं। ध्यान रखिए नीचे लगाना के चांस जो है नहीं लगना चाहिए, नहीं तो जल जाएगा। चावल है जल्दी लग जाती है। आप चाहे वो चावल के साथ थोड़ी सी उड़द के दाल भी डाल सकते हैं, ऑप्शनल है। मैं चावल से बना रही हूँ। देखिए धीरे धीरे मोटा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। उसे हम देख लीजिए चलाते चलाते यहाँ तक आ गए। वो डो प्रिपेयर है। उसके बाद क्या करेंगे देखेंगे। देख लीजिए पोड़ो पिठा उड़ीसा का फेमस है। रजो तीन दिन उसे ही खाते हैं। कोई लेडीज लोग का फ्री होती है, उसके एक दिन पहले से उसे बना लेते हैं। रजो में लेडीज लोगों का फ्री आती है, पान खाते हैं। वो पोड़ो पिठा तो सियोर है, पहली रज में उसे सियोर ही खाते हैं। देख लीजिए कैसे हम उसे बनाते हैं। थोड़ी सी पानी, उसके ऊपर जो छिलका होती है नारियल का अंदर का छिलका, उसे हम वो चूल्हा में लगता है ना, इसलिए नारियल का छिलका थोड़ी सी। उसके बाद केला का पत्ता जो होती है, एक एक करके हम डालते जाएंगे। चार पांच पत्ते को आराम से डाल देंगे। और देख लीजिए, और जो पत्ते में हम डो रखेंगे चूल्हा के ऊपर, उसे हम घी लगाकर थोड़ी सी सेक लेते हैं। मैं दिखाई नहीं, देख लीजिए घी लगाकर थोड़ी सी आग में सेक लेते हैं। उससे पत्ता जो है सॉफ्ट रहती है और पिठा शेप में रहती है। कढ़ाई में थोड़ी सी मुश्किल होती है, उसे पिठा के डो को हम उस पर डालेंगे। चार पांच पत्ता डालने के बाद उसके ऊपर वो डो को हम हुशियारी से हाथ नहीं लगाएंगे, ज़्यादा नहीं लगाएंगे, लगने से कोई कुछ नहीं होगा, किंतु उसे हाथ नहीं लगाते हैं, खट्टा हो जाती है जल्दी। तो ट्रेडिशनली वो प्रिपेयर करते हैं कैसे, हम लोग तो उसे ओवन में बना सकते हैं, कुकर में, माइक्रो ओवन में, जो भी जाए वो। मैं गांव में कैसे बनाते हैं मिट्टी की चूल्हे से मैं दिखा रही हूँ ट्रेडिशनली। देख लीजिए उसे हम शेप में आएंगे, एक गोल शेप उसे उसके ऊपर भी जो पत्ता हम रखेंगे, पत्ते के ऊपर घी लगाकर थोड़ी सी सेक देंगे। उसके ऊपर आप छोटी छोटी पीस का नारियल भी रख सकते हैं, काजू किशमिश भी रख सकते हैं, मैं नहीं डाली, आप डाल सकते हैं। उसके घी एक लेयर हम पेस्ट कर देंगे, ग्रीस कर देंगे। उसके ऊपर पत्ते को भी ग्रीस करके उड़ा देंगे। बहुत ही टेस्टी होती है, बनाने के लिए आसान और टेस्टी। सामान कोई ज़्यादा नहीं लगती। देख लीजिए वो सॉफ्ट पत्ता, उसके घी लगा हुआ है, उसके ऊपर हम हुशियारी से उसे हम डाल लेंगे। उसके ऊपर और पत्ता देकर पांच छह पत्ते को ऐसे हम रखेंगे उसके ऊपर। सभी पत्ते के ऊपर घी जरूरत नहीं, जो पत्ता डो के ऊपर नीचे रहेगा उससे हम घी लगाते हैं और सेक देते हैं। ऐसे हम उड़ा देंगे और उसके
चूल्हे पर ले जाएंगे ऐसे टाइट करके उसे हम रख देंगे। चलिए हम चलते हैं चूल्हे के ऊपर कैसे बनाते हैं। देखिए चूल्हे पर हम रख दी, उसके ऊपर एक बड़ा पत्ता, और पहले हम आग जोर से जलाएंगे। जब भी नीचे का पानी गुड़गुड़ होगा और बंद हो जाएगा उसके बाद ही आग का जो लकड़ी है हम उतार देंगे। देखिए उसके ऊपर हम नारियल का छिलका चारों तरफ डाल ली, और जो काव डंग का जो आसे आता है, जो हमारी फ्यूल जो आता है उसके हम चारों तरफ दे देंगे, उससे टेम्परेचर ठीक रहता है, कोई खराब नहीं होगा। देखिए गांव में वैसे ही बनाते हैं, हम भी बनाते हैं, साल में 2-3 बार जरूर बनाते हैं, बच्चे लोग भी बहुत ही पसंद करते हैं उसे। देख लीजिए नीचे का पानी गुड़गुड़ करना जब भी बंद हो जाता है उसे हम लकड़ी को निकाल देते हैं। देख लीजिए उसके ऊपर हम चूल्हे से आग लेकर ऊपर डाल देते हैं, उससे धीरे धीरे करके चारों तरफ वो फैल जाएगा, और अंदर रखा हुआ डो पककर पूरा पिठा हो जाएगा। देख लीजिए हम नीचे का पानी गुड़गुड़ करना बंद होने तक नीचे आग जलाएंगे। जब भी गुड़गुड़ करना बंद हो जाएगा आग की लकड़ी जो होती है हाई फ्लेम में होती है उसे निकाल देंगे, और उसे 3 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। देखिए उसके बाद ऐसे ही उसे राख जो भी है उतार कर हो जाएगा। देखिए थैंक यू।